बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? मसाला भिंडी तो आप लोग ने होटल और ढाबे पे बहुत बार खाई होगी, तो चलिए आज हम आपको होटल स्टाइल में घर पे मसाला भिंडी बनाना सिखाते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मसाला भिंडी बनाने के लिए 250 ग्राम हम भिंडी लेते हैं। इसे अच्छे से धुल करके कट करते हैं। एक मीडियम साइज का टमाटर है, एक हरी मिर्ची, 7-8 कलियां लहसुन की हैं, एक मीडियम साइज का प्याज और कुछ मूंगफली के दाने। इस तरह से हम भिंडी को बड़े बड़े पीस में ही काटते हैं। इस तरह से कट करके हम देख लेते हैं अंदर कुछ कीड़े वगैरह ना हो। इस तरह हम अपनी सारी भिंडी को काट लेते हैं। ये देखिए हमारी सारी भिंडी कट गई है, अब इसको साइड में रख लेते हैं। रफली हम टमाटर को काट लेते हैं। इसी तरह प्याज को भी काट लेते हैं। प्याज और टमाटर हमारा कट गया है। अब हम एक मिक्सर का बाउल लेते हैं, उसमें प्याज डाल देते हैं, टमाटर डाल देते हैं, हरी मिर्च, लहसुन और मूंगफली के दाने, और इसको बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए हमारा प्याज और टमाटर पीस चुका है अच्छे से। इसको साइड में रखते हैं, ऑन करते हैं। उस पर हम कढ़ाई रखते हैं, थोड़ा सा तेल डालते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें भिंडी डालते हैं। गैस को हम फास्ट रखते हैं और भिंडी को लाल होने तक फ्राई करते हैं। ये फ्राई हो चुका है, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी तेल में हम तेज पत्ता डालते हैं, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और ये ग्रेवी डाल देते हैं। हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, दालचीनी पाउडर, कश्मीरी मिर्ची, स्वाद के अनुसार नमक। इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिनट ढक देते हैं। दस मिनट हो गए हैं, साइड में मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। इसमें हम भिंडी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को स्लो करके 10 मिनट इसको पकने देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, गैस को बंद कर देते हैं। वाव, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। चलिए इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं।
धनिया की पत्ती से गार्निश कर देते हैं। चलिए फ्रेंड, हमारी गर्मा गर्म मसाले वाली भिंडी तैयार है खाने के लिए। इसे हम चपाती, पूड़ी, पराठा के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और यमी है। सुपर, बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप लोग जरूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे लिखिएगा कैसी लगी आपको। थैंक यू।